हमको बहुत सारी प्लेसेस पता चली है घूमने की, जो कि हमारे पास एक कार्ड है, मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ, इस कार्ड में आपको पता चल जाएगा। इन इन प्लेसेस को हम विजिट करने की कोशिश करेंगे आज आज में। हमारा गेस्ट हाउस था, उससे सीधे की तरफ इधर की तरफ हम आए हैं, इधर से हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। बैक साइड का इलाका लग रहा है, यहाँ पे आपको आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगी। खरीदना है चाहे लोकल वाला ही, आज भाई रुद्राक्ष लेगा चाहे ओरिजिनल ले लो। यहाँ एक बात है, यहाँ पे लोकल रुद्राक्ष नहीं मिलता है, ओरिजिनल मिलता है। ज्यादा फोड़ करके निकालते हैं, ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है, आप देख सकते हैं सारे। पांच का बेलपत्र गुलाब, दस रुपए फूटी का कमल जोड़ा, एक 100 का प्रसाद, एक 150 का प्रसाद है। एक प्रसाद वहाँ रख लेते हैं, आपको देते हैं, नरेंद्र नहीं चढ़ता, एक वहाँ चढ़ जाएगा आपको मिल जाएगा। ये वाला प्रसाद हमको देते हैं दोनों, ये रख लेंगे और इसमें से भोग लगा के आधा वापस दे देंगे। अच्छा, नरेंद्र नहीं चढ़ता, एक आधा चढ़ा, ये कमल का फूल भी वहीं चढ़ता है, वहीं चढ़ जाएगा, खाली आधा प्रसाद मिलेगा, आधा प्रसाद मिलेगा, आधा नाम और गोत्र बोल के चढ़ाया जाता है। प्रसाद लेके महाकाल मंदिर की ओर जा रहे हैं। शीघ्र दर्शन के लिए काउंटर बना हुआ है यहाँ पे, मंदिर के आसपास के इलाके में हम पहुंच चुके हैं। ये द्वार नंबर 1 है, इसका नाम है अवंती का द्वार। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू प्रसाद काउंटर भी है। हम जो एंटर हुए हैं वो पीछे की साइड से हुए हैं, मतलब इसे आप शायद फ्रंट बोल सकते हैं क्योंकि ये महाकाल कॉरिडोर है। यहाँ से महाकाल कॉरिडोर की वैसे शुरुआत हो जाती है, लेकिन हमें पहले दर्शन के लिए जाना है। दर्शन करने के लिए जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ी। रास्ते में चलते चलते महादेव के नारे की सुनाई दी हमको, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इस धुन का भी एक अपना ही अलग मजा है, जय श्री महाकाल। ना तो रहा हूँ, ये देख नहीं रहा भाई साहब। ये एक मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, जो साल में एक बार खुलता है, वो नाग पंचमी पर। प्राचीन एकादशी रुद्र महादेव टेम्पल है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल है इस प्रांगण में। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे एक काउंटर है, यहाँ से आपको स्लिप मिलती है प्रसाद के लिए। दिखाई दे रही होगी दोपहर 2-12 बजे से लेकर 4 बजे तक। हमने स्लिप ले ली है, अब हम जा रहे हैं भंडारे की ओर। ये कूपन हमने अंदर से ही प्राप्त किया है, अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं मंदिर से। दर्शन के लिए हम इस बिल्डिंग में एंटर हुए थे, लेकिन इसके बराबर से ही रास्ता जा रहा है प्रसाद के लिए। ये महाकालेश्वर भक्त निवास है, इसके थोड़ा सा और आगे जाना है हमको। हमको पूरा कॉरिडोर के एंड तक जाना पड़ेगा, और इतने गर्म पत्थर पे हमसे चला नहीं जा रहा है, तो हम वापस जा रहे हैं अपने जूते चप्पल लेने के लिए। सही में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, अगर उधर तक हम जाते तो छाले पड़ जाते पैर में, बहुत ज्यादा गर्म पत्थर है इस टाइम पर। यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप हो रही है, इस वजह से जूते चप्पल लाने के बाद हम दोबारा जाएंगे, प्रसाद जरूर ग्रहण करके आएंगे। हम यहाँ जूते लेने पहुंचे, हमारा जूते वाला ही गायब हो गया, हमारा ना जूते है ना उसका प्रसाद का ठेला लगा हुआ है यहाँ पे। अब हमने पड़ोस वाले भैया से बात करी है, ये पड़ोस वाले भैया उनसे कॉल करके पूछ रहे हैं कि कहाँ गए। अब ये भैया बात करके बताएंगे कि वो कहाँ है और हमारे जूते कब मिल पाएंगे। ये भैया हमारी वजह से थोड़े परेशान हो गए, इन भैया को हमने पर्ची दिया, अब ये भैया ढूंढ के बताएंगे हमारा कि कहाँ पे है जूते चप्पल। वो एक चीज अच्छी हुई थी, उन्होंने हमें पर्ची दी थी, पर्ची मिल गई, उनके नंबर मिल गया पर्ची में, तो अब हम उनसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। ये थी पर्ची और ऊपर आप नंबर देख सकते हैं, राखी पुष्प भंडार लिखा हुआ है। भैया की बात हो गई है, इन्हें बता दिया कहाँ मिलेंगे हमारे जूते चप्पल। अब मैंने हमारे जूते धुंधवा दिए, यही रखे हुए हैं, वर्मा ने ढूंढे, ये रखे देखो पीछे की साइड पड़े हो भाई, अगर हम नहीं देखते तो मिलते नहीं। हाँ यार, इन भैया से पूछना चाहिए तो मिल जाते, हमने दूसरे पड़ोस वाले भैया से पूछे, खैर हमें मिल गए, देखिए मुझे है मेरे इसके अंदर सब कुछ है। हाँ चलो ठीक है, हम इसी ट्रैक पे दोबारा आ गए थे और हमने देखा भाई पानी पीने के लिए इतना बड़ा सा बना रखा है इन्होंने, हॉल टाइप है पूरा। ये मेरा भाई वर्मा पी रहा है वहाँ पे पानी, जहाँ पानी पिया उसके जस्ट बराबर में आप देख सकते हैं एक छोटी मोटी मार्केट जैसी दुकानें बना रखी है। यहाँ पे अभी ये सब क्लोज हो रखा है, ये जल्दी ओपन हो जाएगा, यहाँ पे बैठने के लिए भी बना रखा है। भाई यहाँ पे रात में आऊंगा, मैं रात में बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा, मैं आपको अभी ये चीजें नहीं दिखा रहा, मैं सीधा जा रहा हूँ भंडारे के पास। इस जगह पे जो फील आएगा ना, वो रात में जो आएगा ना, वो दिन में नहीं आ पाएगा। ये सारी जो प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई हुई है, इन सब में लाइट जलेगी तो और ज्यादा अच्छा फील होगा। सामने भवन आ चुका है, इस भवन में अब अंदर जाके हम खाना खाएंगे। भाई क्या भाई, ये तो बिल्कुल तिरुपति नाथ की तरह है भाई, बहुत तगड़ा बना रखा है, मजाक से हट के दिल प्रसन्न हो गया। सारी प्लेसेस हमें शहर के बाहर वाले विजिट करवाएंगे। ये भैया से हमने ऑटो बुक किया है, ये अपना ऑटो रहने वाला है, इस ऑटो से हम जाएंगे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं शहर के बाहर वाले जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको विजिट करने के लिए। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गढ़काली के मंदिर, अब हम जा रहे हैं अंदर विजिट करने के लिए। ऑटो रिक्शा यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे खड़ा हो गया, मतलब भाई साहब बहुत ज्यादा पैर गर्म हो रहे हैं। वर्मा ने इस बार मुझे नहीं उतारे, मैंने उतार दिए। और ये जो हमारे साथ महिला मित्र आई हुई है, इसे देख सकते हैं आप कितना फायदा उठा रही है, छांव में चल रही है। ये हम मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं जय माता की। रात को जब ये जलता होगा कितना प्यारा अट्रैक्टिव दिखता होगा, ये आरती के टाइम पे यहाँ पे दिए जलाए जाते होंगे सारे। चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन की ओर।
पंगा हो गया यहाँ पे, छोटा मोटा पुलिस आने वाली है यहाँ पे। ये उज्जैन दर्शन बस है, पूरा उज्जैन घुमाती है 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से, जहाँ जहाँ धार्मिक प्लेसेस है वो सारी विजिट कराएगी। अब हम अपने नेक्स्ट दर्शन के लिए जा रहे हैं आगे की ओर। यहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं, कितना प्यारे प्यारे नजारे मिल रहे हैं हमको। हरियाली मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है वैसे, पीछे का रास्ता देखिए। अब हम आप पहुंचे काल भैरव मंदिर, यहाँ पे दर्शन करेंगे। यहाँ पे माना जाता है दारू चढ़ाई जाती है। यहाँ पे हमने ऑटो खड़ा किया है और इसके सामने से जहाँ रॉयल स्टैग लिखा हुआ है वहाँ से हम दारू लेंगे। यहाँ पे ऊँट की सवारी भी होती है। ये भाई भाई यहाँ पे लिखा है कल दुकान बंद रहेगी और हम लेने पहुंचे। यहाँ पे आरएस का क्वार्टर 350 रुपए का है, तो हमने 300 का आरएस का क्वार्टर ले लिया ये मंदिर में चढ़ाने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं श्री काल भैरव मंदिर, जय बाबा की, आज चढ़ाएंगे। फाइनली हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, एंटर होने वाले हैं। बहुत बड़ा सा प्रवेश द्वार बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ के भी हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम आ गए ऑटो के पास अपने, जहाँ हमने ऑटो छोड़ा था। अब हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए और आसपास की हरियाली जो मुझे पसंद है वो दिख ही रही होगी आपको। यहाँ पे ऐसे ऐसे नजारे देखने के लिए मिलेंगे ये नहीं सोचा था, बहुत प्यारा नजारा है ये। अब अपनी जर्नी पहुंची है शांतिवनी आश्रम। अब हमारे दर्शन होंगे शांतिवनी में। यह है आश्रम का मेन गेट जिससे हम अंदर की ओर जाएंगे। 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। यार लोकेशन तो बहुत प्यारी है, आस पड़ोस में आप देख सकते हैं कितनी सारी हरियाली छाई हुई है। यहाँ पे कृष्ण जी का एक टेम्पल भी है जहाँ पे हम जरूर दर्शन करेंगे। वीडियो के लिए मना कर दिया था, यहाँ पे चांस मारता हूँ वीडियो अगर बनाने के लिए अलाउ होगा तब। बहुत प्यारी जगह लग रही है भाई अंदर से तो, वाह यार, जय श्री कृष्ण। यहाँ पे पेंटिंग में वो व्याख्या दिखाई गई है जब श्री कृष्ण जी यहाँ पे पढ़ाई करते थे। आप देख सकते हैं इस फोटो में अलग से दिखाया जा रहा है, इस फोटो में अलग से कृष्ण जी आपको दिख रहे होंगे, नीले नीले जो है ना वो आपको कृष्ण जी दिखाई देंगे। इस फोटो में अलग विधि दिखाई जा रही है कृष्ण जी की, इसमें आप दिखा सकते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इलाज कर रहे हैं गुरुजी और यहाँ पे कृष्ण जी भी हैं। आयुर्वेदिक पद्धति से यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे संगीत की शिक्षा प्रदान की जा रही है और इधर यज्ञ की शिक्षा प्रदान की जा रही है, आप देख सकते हैं गुरुजी द्वारा। ये देखिए गुरुजी यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं और कृष्ण जी यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं। इसे करके यहाँ पे बहुत सारी फोटोज आपको दिखाई दी जाएंगी जिसमें अच्छे से व्याकरण किया जा रहा है। अंदर विजिट करके आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अगले पड़ाव की ओर जहाँ पे एक टेम्पल है हमारे दर्शन के लिए। ये गुरु तुलसी भगवान के अभिषेक का रुद्राक्ष देते पंचमुखी, इसको तीन दिन घी में रखकर एकादशी से गले में डाल। हम यहाँ पर पहुंचे, आप पढ़ सकते हैं इसको, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। 64 कलाओं की दीर्घाएं, यह है गोमती कुंड, आप इसे पाउस करके पढ़ ले रहे हैं। इसके बारे में पूरा वर्णन दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री कृष्ण द्वारा सीखी 64 कलाएं। सही में बहुत प्यारी लोकेशन है, देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा भाई। सही में जहाँ कृष्ण जी पढ़ाई करते थे वो लोकेशन कितनी प्यारी है, आप देखिए इसमें पूरी कलाकृति दिखाई गई। यहाँ पे कृष्ण जी कैसे रहा करते थे, कैसे खाया करते थे, कैसी उनकी जीवन शैली रहती थी। इसमें कृष्ण जी का एक अलग ही रूप दिख रहा है जिसमें वो कला मतलब कुश्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे वस्त्र पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं कृष्ण जी। ये खास बात मैंने देखी, आप ऊपर देख सकते हैं गोबर और मिट्टी से बना हुआ यहाँ का छज्जा है गाइस। इस फोटो में श्री कृष्ण जी खाना पकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो में श्री कृष्ण जी और सुदामा जी और उनके बड़े भाई सिलाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों लोग मुझे परेशान नजर आ रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो आपका आना बिल्कुल वसूल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग बनाई हुई है जिनमें अच्छे से दिखाया गया है कृष्ण जी कैसे यहाँ पे जीवन शैली उनकी चलती थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रहे हैं, कृष्ण जी कैसे यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे। सही में बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है इन सब चीजों को देख करके। ये देखिए कैसे पढ़ाई किया करते थे। अब तक की सबसे प्यारी पेंटिंग ये नजर आई है मेरे को और यही पेंटिंग मैंने रिपीट देखी है, दूसरी बार भी सेम ये पेंटिंग लगाई गई है। यहाँ पे लिखा है गीता उपदेश, यहाँ से आगे की पेंटिंग चेंज हो चुकी है आप जैसा की नजर आपको आ रहा होगा। और यहाँ पे संजय से वार्तालाप जो उनकी हुई थी कृष्ण जी की उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ से आगे तक सब गीता के उपदेश है, आपको भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। वाह यार बहुत ज्यादा पीसफुल प्लेस है, आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। हम जल्दी से अपने ऑटो की तरफ विजिट करते हैं। ऑटो वाला भी हमारा वेट कर रहा होगा कि हम कहाँ रह गए, इतनी देर में पहुंचे नहीं। वाह यार ये एक पेंटिंग है जो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, अट्रैक्टिव टाइप। जय श्री कृष्ण। यहाँ गीता के उपदेश लिखे हुए हैं, जितने भी आप ये पैम्पलेट देख रहे हैं ये स्टील के, इस पे गीता के उपदेश है। वाह यार यहाँ पे बहुत कुछ है यार देखने के लिए, मैं इधर से निकल के आया था। वाह यार सही में बहुत बड़ी जगह है और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, पढ़ने के लिए। पूरा दिन आप इनको पढ़ के समझ सकते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी की सबसे प्यारी फोटो यहाँ पे हमें दर्शन हुए हैं। रंगोली बनाई जा रही है जो कि बहुत अद्भुत दिख रही है।